बल्लारशाह से एलटीटी मुंबई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर। चंद्रपुर राज रिपोर्टर। लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन बल्लारशाह लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन नंबर 22109 22110 को राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बल्लारशाह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस समय भाजपा कार्यकर्ता एवं रेल यात्री संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। हंसराज अहीर ने कहा कि बल्लारशाह में 11 करोड़ रुपए की लागत से बनी पीट लाइन की सुविधा से अब रेल यात्रियों को लंबी दूरी की ट्रेनों की सुविधा मिलेगी। अहीर ने यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि अब यह ट्रेन नए नंबर से चलेगी। अब इस ट्रेन का किराया भी 30% कम हो जाएगा। इससे यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। एलटीटी बल्लारशाह ट्रेन नंबर 22109 22110 एलटीटी स्टेशन से रात 9:45 रवाना होकर चंद्रपुर स्टेशन पर सुबह 10:56 बल्लारपुर में दोपहर 12 पहुंचेगी। बल्लारशाह से दोपहर 1:40 तक मुंबई के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन को हंसराज अहीर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र वन विकास महामंडल के पूर्व अध्यक्ष चंदन सिंह चंदेल, भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष हरीश शर्मा, विजय राउत, खुशाल बोंडे, रेलवे अधिकारी MDRM PS खेरकर, SAMHK बेहरा, दामोदर मंत्री लखन सिंह चंदेल, अनिल फुलझले, चंद्रपुर जिला रेलवे यात्री एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीनिवास सुनचुवार, रघुवीर अहिर, अरुण मस्की, राजू घरोटे, विनोद शेरकी, रेणुका दुधे, वैशाली जोशी, जयश्री मोहर्ले, स्वामी रायबाराम, देवेंद्र वाटकर, कांता ढोके, किशोर मोहर्ले, आरती अक्केवार, हनुमान सिंह खेंगर, रामेश्वर पासवान, जुम्मन शेख, ममता बुज्जा, गुलशन खान, गुलशन शर्मा, विकास राजुरकर, ज्ञानेन्द्र आर्य, गणेश सौदानी और रेलवे कर्मचारी कृष्णा कुमार सेन, एम वेंकटेश लरू, जी राजुरकर, रविंद्र नंदनवार, रवि मिश्रा, योगेश बाविस्कर, RPF इंस्पेक्टर श्री पाठक आदि उपस्थित थे। चंद्रपुर बल्लारशाह की जनता के लिए इसके पूर्व ही सेवाग्राम एक्सप्रेस डेली चलती थी। लिंक एक्सप्रेस की नीति बनने से वो गाड़ी बंद होने के बाद आज फिर से एक दिन के लिए सप्ताह में एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेगुलर शुरू हो गई है। ये बहुत जल्दी 3 दिन चलाने की हमारी मांग है। उसके बाद में हर दिन चलेगी। ये पहली बार एक प्रयोग हो गया है सेवाग्राम बंबई के बाद। आज उसमें हमने हरी झंडी दिखाई है और प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्री तक चंद्रपुर बल्लारशाह बहुत उसको देते आए हैं। यहाँ P10 का काम पूरा हुआ है और P10 का काम पूरा होने से ही आज यहाँ से पहली बार बल्लारशाह टू LTT अब कल बल्लारशाह टू पुनः गाड़ी चलेगी। बल्लारशाह से दिल्ली भी चलेगी, बल्लारशाह कलकत्ता भी चलेगी, बल्लारशाह से चेन्नई भी चलेगी। जब तक ये पीट लाइन नहीं थी तब तक समस्याएं थी। 11 करोड़ के आसपास की लागत से पीट लाइन बनी है, इसको 1000 करोड़ रुपये नहीं लगा है। तो इतनी कम लागत में बल्लारशाह का वैभव बढ़ गया है, स्टेशन का महत्व बढ़ा है। ये हमारा स्वप्न था, वो पूरा हुआ है। बहुत ही जल्दी यहाँ से पुना के लिए 3 दिन गाड़ी चलेगी, शायद कल या परसों से शुरुआत हो जाएगी। और नंदीग्राम गाड़ी भी जो फिलहाल आदिलाबाद से चल रही है, इसका भी सैंक्शन आया है। वो पहले नागपुर से आदिलाबाद जाती थी बनी होकर, अब बल्लारशाह से जाएगी। पीट लाइन होने की वजह से बल्लारशाह से भद्रावती पादरी वनी होते हुए निकलेगी गाड़ी। और इस तरीके से आज बल्लारशाह चंद्रपुर के लिए एक नंदीग्राम और दूसरी आज की जो एक्सप्रेस छुट्टी है सुपरफास्ट, ये दो गाड़ियाँ मुंबई के लिए चल रही है। एक साप्ताहिक है, एक हर दिन चलेगी।